चंद्रयान भारत का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये मिशन इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। इसके तीन अलग अलग मिशन रहे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। इसे मून ट्रैवलर या मून व्हीकल भी कहा जाता है। ये चंद्रमा से संबंधित चीजों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, जिसके पहले सीरीज को चंद्रयान 1 का नाम दिया गया था, जिसे अक्टूबर 2008 में इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोट से लॉन्च किया गया था, जिसका 312 दिन बाद अगस्त 2009 में मिशन को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, AHTV में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। ये भारत की पहली अनमैन्ड चैन थी जिसमें एक लूनर ऑर्बिट और एक इम्पेक्टर शामिल था। चंद्रयान 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, लेकिन फिर 10 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता तो नहीं मिली लेकिन काफी अधिक जानकारी मिली। इस मिशन में लैंडर विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन डाटा में असामान्य तापमान और गतिविधियां इसके विफल होने का मुख्य कारण बनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चंद्रयान मिशन के तीनों अलग अलग पार्ट हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के करीब मार्गदर्शक सत्ता के लिए तकनीक तैयार करना था, जबकि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर चांद्र समारिक वैज्ञानिक तकनीक और तकनीकी अवधारणा का अध्ययन और अनुसंधान करना था। वहीं चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह की जांच के लिए बनाया गया है। दोस्तों, चांद की ओर वैज्ञानिकों का रुझान हमेशा से ही रहा है। पृथ्वी के बाद अगर किसी उपग्रह को इंसान के लिए उपयुक्त समझा गया है तो वो चांद है। पृथ्वी के सबसे करीब और ठंडे इस उपग्रह पर कई देशों के स्पेस एजेंसियां ने समय समय पर अपनी यान भेजते रहते हैं। इस कड़ी में भारत तीसरी बार चांद पर पहुँच बनाने जा रहा है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 दुनिया के लिए इसलिए भी जिज्ञासा का विषय बना है क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव के छोर पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान 1 पहली बार पानी खोजा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003 ये वही तारीख है जब भारत ने चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो को चंद्रयान 1 की मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया। उस समय तक केवल 4 अन्य देश, अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके। दोस्तों, ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बना। चंद्रयान 1 का वजन 1380 किलो का था और चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलो का था, तो वहीं चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है, जो पहले दोनों चंद्रयानों की तुलना में सबसे अधिक है। दोस्तों, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर लैंड नहीं हुआ था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे और 312 दिन के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वहीं चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 1 को PSLV-C के माध्यम से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 को GSLV-MK3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, वहीं चंद्रयान 3 को FATBOY-LV-M3 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 को हीलियम की मौजूदगी पता लगाने के लिए भेजा गया था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 का डेटा इस्तेमाल करके चांद पर बर्फ की पुष्टि कर ली गई थी। 28 अगस्त 2009 को इसरो के अनुसार चंद्रयान 1 मिशन की समाप्ति कर दी गई थी, लेकिन ये शुरुआत भर थी। भारत जल्द ही फिर से चांद पर तिरंगा फहराने का मन बना चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकर गर्व हो रहा है कि हम भारतीय कितने आगे जा चुके हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को 2:43 में भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। श्री हरिकोट से GSLV Mark 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 20 अगस्त चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर चांद की सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था, लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुव कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर
किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा था। तब इसरो कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है, उसके बाद अगले कदम पर फैसला करेगा। और अब इसरो तीसरी बार चांद पर कदम रख दिया। दोस्तों अब जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंड कर दिया। पूरे देश में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग की कामना की गई थी। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे भेजने के लिए LBM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन बराबर होते हैं। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिन तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा, जिसके लिए विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। दक्षिण ध्रुव के पास का तापमान अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। वहीं मौजूद पानी ठोस रूप में यानी बर्फ की शक्ल में मिलेगा। चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। चाइस्टे चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की ध्वन मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा और LRA चांद की डायनेमिक्स समझने की कोशिश करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे कैमरे ने हाल ही में 4 तस्वीर भेजी है, जिनमें कहीं बड़े गड्ढे हैं तो कहीं मैदानी एरिया नजर आ रहा है। वहीं ज्यादातर जमीन उबड़ खाबड़ नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इसराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। लगभग 7 दशकों में 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें 66 सफल हुए और 41 फेल हुए और 8 को आशंकी सफलता मिली। भारत चंद्रयान 3 के बाद जल्द ही चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू करेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।